हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। पथरिया विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां कल भारी संख्या में पुलिस बल रामबाई के निवास पर पहुंचा था और पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, वहीं स्वयं रामबाई ने मीडिया के जरिए पति से कोर्ट या पुलिस के सामने पेश होने की अपील की थी। वहीं रामबाई सिंह ने पति को निर्दोष बताया है, साथ ही पुलिस की कार्रवाई को भी गलत बताया है। आइए सुनते हैं और क्या कहना है पथरिया विधायक रामबाई का। सत्यता जी है कि ना तो हमारे पति, ना हमारे देवर, ना श्रीराम शर्मा इस केस में कहीं दूर दूर तक नहीं थे, और इस चीज को लेके एसआईटी टीम गठित भी हुई थी। जब मैंने विधानसभा में इस चीज का क्वेश्चन लगाया था तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जो हमारे पास सरकारी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में हैं उनके बयान लाए गए, मोबाइल की लोकेशन ली गई, सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई, तब जाके हमारे हस्बैंड को नाम इस केस से निकालोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही किसी दबाव में या किसी तरीके से निकल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके निकालोगे जो नाम, और फिर इस नाम को पुनः जोड़ा गया, हमारे पति का पुनः नाम जोड़ा गया। और आज तक शुरू से लेके हर चीज में जो अत्याचार अन्याय जो लोग कर रहे हैं और करत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार सब देख रहे हो, हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे यहाँ, तो सिर्फ इसका कारण भी ये है कि हम सही है, इसलिए हम उतनी चीजें नहीं बोल रहे क्योंकि हमें इस बार पे भरोसा है। आपके पति पे 50,000 रुपए के नाम की राशि है, समय बढ़ते जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको कोई नोटिस मिला है जवाब देने के लिए या आपको अपना पक्ष रखने के लिए आपके पति के फेवर में ऐसी कोई आपको कुछ मिला है क्या? हमें कुछ नहीं दिया गया भाई, हमारे लिए ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमारे लिए कोई जानकारी दी गई, बस हमारे बच्चों को परेशान कर रही पुलिस, गांव में जाके बच्चों को मार रही है, ये बस पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती है, गांव जाती है। अभी आप लोगों के माध्यम से भोपाल से फोन आए, 13 साल के बच्चे को उठा के लेके गई, भाई एक छोटा सा बच्चा है, 13 साल का नाबालिग बच्चा है, हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता। आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ये पूरी बातें रखी जो आप मीडिया के सामने रख रही हैं, शासन के सामने, डीजीपी के सामने या किसी के सामने आपने अपना पक्ष रखा? ये पक्ष तो मैंने आप लोगों के माध्यम से शुरू से रखा है, आज की तो ठीक है, आप सभी इस चीज के गवाह हैं, सभी लोगों को जानकारी है कि शुरू से लेके फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अपने पति की सच्चाई रखी, मैंने सारी चीजें रखी गई हैं, पर सच्चाई की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, सच्चाई की तरफ तो देखा ही नहीं। भाई ये बताइए, पुलिस ने जब FIR दर्ज हुई उस समय दबाव दहशत में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा गया, देवर जी का नाम लिखा गया, फिर इसके बीच में मेरे बच्चे के साथ जो घटना हुई थी सभी इस चीज को वाकिफ है कि नहीं, उस बीच में 2-3 महीने में अपने 3 महीने से लेके 4 महीने तक बच्चा मेरा आज भी ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस बीच में फिर मैंने विधानसभा लगी, विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी उस समय पूरे विधायकों ने, कांग्रेस बीजेपी के सभी विधायकों ने इस चीज पे साथ दिया था कि हाँ न्याय मिलने चाहिए, मैंने CBI जांच की थी और आज भी मैं CBI जांच की मांग करती हूँ। अगर वास्तव में मेरे हस्बैंड, मेरे देवर या कोई भी दोषी पाया जाए तो भाई आप तो चौराहे पे फांसी आप नहीं लगाना, मैं लगा दूंगी, मैं खुद लगा दूंगी फांसी अगर इस केस में इन्वॉल्व हूँ। ऐसे कितने केसों को लेके लोग नाम दे रहे, कितने केस चल रहा है, उतने केस चल रहा है, मालूम नहीं है कि जो केस चल भी रहा है कि जैसे जो केस है ऐसे ही केस झूठे बेबी लगे। अब आपको अगलो कदम क्या है, अगर आपके हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट का दबाव बढ़ रहा है, सुनवाई भी सुनवाइयाँ हो रही हैं, तिथियाँ बढ़ाई जा रही हैं, आपको हम अगलो दबाव हम करें, हम क्या कर सकें बताओ, हम कछु कर सकें, हम जे बैठे थे, हमें कोई जानकारी हो भाई, सारे फोन टेप चल रहे, सब चीजें हैं, पूरे घर पे नजर रखी जा रही, अगर हमसे कहीं बात करें भाई, हमें फोन लगाएं तो हम उनसे बात करें, तभी तो हमने सब पत्रकार भाइयों को बुलाओ है कि भाई उन तक जानकारी पहुंच जाए। हम भी चाहा था आत्मा से कि आप भी सिलेंडर कर दें, आए न्याय तो मिले भाई, ऐसा तो है नहीं है। देखो सत्य को गुमराह करो जा सकत है, छुपाओ नहीं जा सकत, वो विलुप्त नहीं करो जा, और सत्य पे भरोसा कल तो और आज है, और हम सत्य की लड़ाई लड़ते आए, जब आज ही कुर्सी पे बैठे हैं, विधायक बने हैं,
अत्याचार अन्याय शुरू से लोगों ने अपने सत्ता में रखे करे, लेकिन हम उषा कब हार नहीं माने, हम बाकायदा ईमानदारी से लड़े। रही बात जैसे बहुत से लोग बोल रहे कि केसों में सजा है ऐसी, अरे हमारे हमारे हस्बैंड खुद एक केस में जेल में है, और जो घटना भाई एक 3.5 मर्डर की थी घटना भाई थी, उस केस में हमारे पति जेल में थे जबलपुर जेल, उसके बावजूद भी सजा बड़ी थी हमारे पति। भाई जो व्यक्ति घटना में है नहीं, जेल गवाह है ये चीज की, उसके बावजूद भी उनको सजा पड़ी है। भाई तो लंबो चिट्ठा बनाए हैं कि इतने केस चल रहा है, इतने केस चल रहा है, अब जी केस को वहाँ चिट्ठा ना बने हैं, झूठे केस लगावे में कोई आज कितने केस कितने जेलों में पड़े हैं जो निर्दोष हैं, आप जाके देखो तो सच्चाई तो देखो। हमारे तो रोज पंचायतें आओ कि एक केस करा थे 10 आदमों को ना लाने पर दौड़ा, लेकिन हम भाई हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे, सत्य को गुमराह नहीं करो जा सकते यार, 2-4-10 दिन साल भर से गुमराह करे, लेकिन सत्य को उजागर हुई है और सत्य सामने आ है, और जीत पर हमें सत्य की ही होती है। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, जी हो जो करने जो कर तो कर सकते हैं सब करें, हम सब सहन कर भी करके आए। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी कार्यालय में आज भूपेश कार्यकर्ताओं शामिल हुए, आयोजित की गई वरिष्ठ मंत्री भूपेश चौधरी मंत्रिमंडल शामिल हुए, शामिल किया है गोपाल भार्गव ने आभारी बनाए गए हैं, पर सभी प्रकार के ऑपरेशन हड्डियों जोड़ के फ्रैक्चर आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद अर्थराइटिस साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना कमर दर्द हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल MD आयुष जिला चिकित्सालय दमोह, उपचार सुविधाएं भगंदर फिशर त्वचा रोग चर्म रोग जोड़ों का दर्द मोटापा थायराइड बात रोग गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धा मेडिकल मानस भवन सरकारी अस्पताल के पास दमोह मध्य प्रदेश।